मित्रों जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में। और जैसा कि मैंने अपने साप्ताहिक राशिफल वाले वीडियो में आपसे कमिट किया था कि मार्च के राशिफल का वीडियो बहुत जल्दी आपको दूंगा, मित्रों बहुत कोशिश की है कि जो मेरा राशिफल है बनाया हुआ यह आपके जीवन पे बहुत सटीक बैठे और परमात्मा आप सबका कल्याण करे और किसी को कोई कष्ट ना हो। मित्रों राशिफल शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी याद है, वो याद है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो याद कर लें। और हर राशि के लोग नौ ग्रह की आराधना प्रतिदिन करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिषुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। तो इससे क्या है कि अगर हम प्रतिदिन इन मंत्रों का जप करते हैं तो कम से कम नौ ग्रह जो हैं हमारे वो हम पे अपनी कृपा बनाए रखें। क्योंकि मित्रों देवताओं को मनाना, कई वीडियो में मैंने बताया है, देवताओं को मनाना बहुत आसान है, उससे कठिन है पितरों को मनाना, लेकिन सबसे कठिन है ग्रहों को मनाना। तो थोड़ा इसका ख्याल रखिए और प्रतिदिन पूजा पाठ कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने देश से प्यार कीजिए, अपने धर्म से प्यार कीजिए, अपने भगवान से बहुत प्यार करिए। क्योंकि यह शरीर जो है यह एक दिन तो छूटना है और जाना उन्हीं की शरण में है, तो जिनके पास जाना है उनसे दूरी मत बना के रखिए। यह कोई निराशावादी सोच नहीं है मित्रों, यह एक सकारात्मक सोच है और यही जीवन का अकाट्य सत्य है। चलिए आइए शुरू करते हैं राशिफल। मेष राशि से शुरू करते हैं। मार्च का महीना मिश्रित फलकारी है मेष राशि वालों के लिए, और जो साप्ताहिक राशिफल में उपाय बताए हैं वो मेष राशि वाले करते रहेंगे। और मेष राशि के अगर घर के पारिवारिक वातावरण की बात करें तो बहुत ही अनुकूल रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र में बहुत प्रगति होगी, आय के साधन बहुत अच्छे होंगे, परंतु साथ में व्यय की अधिकता भी रहेगी। चोट चपेट की संभावना आपको दिख रही है, रोग व्याधि की भी संभावना दिख रही है, माता को कष्ट दिख रहा है, दाम्पत्य जीवन सुखकारी रहेगा। महीने का 8 तारीख 17 तारीख 25 तारीख आपको सावधानी बरतनी है। भाग्य 65% साथ देगा आपका, और जो डेट आपको बताए हैं इस डेट पे आपको विशेष ख्याल रखना है अपने आप का, अपने परिवार का। दुर्गा जी की आराधना करते रहें, जो भी मंत्र आपको याद है वह मंत्र करें। अगर सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते याद है तो अवश्य करें। अगर कोई मंत्र याद नहीं है तो दुर्गा जी को सुबह और शाम कपूर की आरती अवश्य करें। आपका शुभ रंग लाल है और देवता बजरंग बली हैं आपके, लेकिन इस महीने आप बजरंग बली के साथ साथ दुर्गा जी की आराधना करें। वृष राशि वालों के लिए महीना बहुत अच्छा जाएगा, आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, रोजी रोजगार बढ़ेंगे, आपके आय बहुत अच्छा रहेगा, व्यय की अधिकता नहीं होगी, पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन बहुत सुखकर रहेगा। महीने का 2 तारीख 7 तारीख 21 तारीख नेक्स्ट है, सावधानी बरतिए, कोई रोग बीमारी आपको दिख नहीं रही है, कार्य क्षेत्र में बहुत प्रगति होगी। कभी किसी से इस महीने आपको कर्ज नहीं लेना है न कर्ज देना है, यदि आपने किसी से ले रखा है तो यह महीना उसको उतारने के लिए आपके लिए सर्वोत्तम महीना है। मित्रों ओम श्रीम श्रेयाय नमः का जप करना है आपको, लक्ष्मी जी को इत्र अर्पित करनी है मोगरे की, संतान पक्ष आपका बहुत उत्तम है, मित्रों का सहयोग आपको बहुत प्राप्त होगा, भाग्य का प्रतिशत 70% है, शुभ रंग आपका सफ़ेद है। मिथुन राशि की बात करें बहुत अच्छा महीना आपका जाएगा। आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही अनुकूल वातावरण रहेगा, बहुत मनोरंजक वातावरण रहेगा, घर में बहुत ही सुखकारी वातावरण रहेगा, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, संतान सुख बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपके माता पिता
हैं तो आप अपने माता पिता की सेवा कर पाएंगे, आपके संतान आपकी सेवा कर पाएंगे। संतान पक्ष बहुत ही उज्जवल है, धनागमन के स्रोत बहुत अच्छे हैं, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति होगी, मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा, कोई गलत काम आपको नहीं करना इस महीने, आपका शुभ रंग हरा है, भाग्य 70% साथ देगा। महीने का 3, 10, 18, 24 और 31 तारीख नेक्स्ट है, सावधानी बरतें, गणेश जी की आराधना करते रहें, गणेश जी को दुर्वा की माला चढ़ाएं। मंत्र होगा आदि पूज्यम गणाध्यक्षम उमापुत्रम विनायकम मंगलम परमम रूपम श्री गणेशम नमाम्य हम। इस मंत्र से आप गणेश जी को माला चढ़ाएं दुर्वा की। कर्क राशि बहुत ही अच्छा महीना, बड़ों की इज्जत करिए, सबसे मीठा बोलिए तो आपका यह महीना बहुत अच्छा जाएगा, पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा है। माता को गुड़ खिलाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, कार्य क्षेत्र में बहुत प्रगति होगी, आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ही सकारात्मक वातावरण बनेगा, कोई रोग बीमारी नहीं दिख रही, कोई चोट चपेट नहीं दिख रहा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, संतान पक्ष बहुत ही उत्तम है, धनागमन के कई स्रोत बनेंगे, व्यय कम होगा। महीने का 2 तारीख 22 तारीख और 26 तारीख नेक्स्ट है, सावधानी बरतें, शुभ रंग सफ़ेद है, भाग्य का 80% आपके साथ रहेगा। मित्रों आपको करना क्या है कि किसी भी मंदिर में जो बाहर दरिद्र नारायण बैठे होते हैं उनमें से 7 दरिद्र नारायण को भोजन का पैकेट बनाकर बांट दें, या तो कहीं से बनवा लें या स्वयं बना लें, और 7 दरिद्र नारायण को आपको इस महीने भोजन कराना है, आपका महीना बहुत अच्छा जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही सर्वोत्तम महीना जाएगा, आय की बहुत अधिकता रहेगी, व्यय की भी अधिकता रहेगी, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, कोई रोग बीमारी नहीं दिख रही, कोई चोट चपेट नहीं दिख रहा, और अगर कार्य क्षेत्र में बात करें तो नए नए कार्य के अवसर मिलेंगे, नए लोगों से मिलने के अवसर मिलेंगे, यात्रा का भी योग बन रहा है। और अगर बात करें आपके भाग्य के प्रतिशत की, तो भाग्य आपका 80% आपके साथ है, महीने के 2 तारीख को, 22 तारीख को, 15 तारीख को और 31 तारीख को आपको सावधानी बरतना है। शुभ रंग लाल है, सूर्य भगवान को अक्षत और लाल पुष्प डाल के अरुणोदय के समय अगर आप जल दें तो बहुत अच्छा है, अन्यथा जब आप सोकर उठते हैं तो सूर्य को स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल जरूर अर्पित करें, बहुत ही अच्छा महीना आपका जाएगा। कन्या राशि वालों के लिए भी यह महीना बहुत उत्तम रहेगा, बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड महीना रहेगा, जो कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा जाएगा, संतान पक्ष बहुत उज्ज्वल दिख रहा है, आय के बहुत अच्छे साधन दिख रहे हैं, व्यय की भी अधिकता थोड़ी सी हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वयं को कोई रोग बीमारी नहीं दिख रही, कोई चोट चपेट नहीं दिख रहा, मित्रों हो सकता है कुछ गुप्त शत्रु आपको परेशान करें। महीने का 1, 5, 19 और 26 तारीख नेक्स्ट है, शुभ रंग आपका हरा है, काल भैरव जी की उपासना करिए, ओम भैरवाय नमः मंत्र है, और गणेश जी को मोदक चढ़ाइए, मोदक के पैकेट में जो आप लेंगे उसमें दुर्वा अर्पित करके गणेश जी को भोग लगाइए, आपके कष्ट खत्म होंगे और महीना बहुत ही बढ़िया जाएगा। मित्रों तुला राशि वालों के लिए बात करें तो यह महीना बहुत ही कष्टकारी है, महीने का 9 तारीख 17 तारीख 25 तारीख 29 तारीख नेक्स्ट है, भाग्य प्रतिशत सिर्फ 40% आपके साथ रहेगा, शुभ रंग आपका सफ़ेद रहेगा। अगर आपके कष्टों की बात करें तो आपको कष्ट कहाँ होता दिख रहा है, आपकी माता को कष्ट दिख रहा है, आपकी पत्नी को कष्ट दिख रहा है, आपको चोट चपेट की संभावना दिख रही है, और कुछ लोग आपको परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसे लोगों पर सावधानी बरतें, किसी पर विश्वास आंख बंद करके इस महीने आपको नहीं करना है, किसी को आपको पैसे नहीं देने हैं, धनागमन कम रहेंगे आपके, व्यय की अधिकता रहेगी और चोट चपेट की संभावना मैंने बता ही दी, रोग व्याधि की भी संभावना रहेगी। मित्रों आपको लक्ष्मी जी की आराधना करनी है, श्री सूक्त का पाठ करना है,
अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते तो महीने के हर शुक्रवार को करिए, ताकि भगवती आपके कष्ट को ख़त्म करे और आपको शुक्रवार को थोड़ा सा हवन करना है। अगर आप हवन कमल गट्टे से कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। जो कष्ट मैंने बताए हैं उन कष्टों में कमी आएगी और आप अपने महीने को अच्छा बना सकते हैं। मित्रों, वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बहुत कष्टकारी महीना है। आपको अपने लिए गए निर्णयों पे अफसोस होगा। हो सके तो कोई निर्णय मत लीजिए। अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है तो इस महीने के लिए टाल दीजिए। यह आपका कष्टकारी महीना है। महीने का 5 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख, 26 तारीख आपके लिए नेस्ट रहेगा। दुर्घटना की संभावना है, चोट चपेट की संभावना है। संतान पक्ष से मन बहुत खिन्न रहेगा। संतान आपके साथ सहयोग नहीं करेगी। आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। आपको स्वयं को भी बहुत कष्ट दिख रहा है। आपके करीबी लोग आपको धोखा दे सकते हैं। आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। तो मित्रों, इन चीज़ों को अगर आपको रोकना है तो एक रुद्राभिषेक करा लीजिए इस महीने, और किसी भी जानकार ब्राह्मण से शनि की शांति करा लीजिए। भाग्य का प्रतिशत सिर्फ 30% है। शुभ रंग आपका लाल है। धनु राशि की बात करें तो बहुत ही शुभ महीना है, बहुत ही अच्छा महीना है। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। यदि आपको घर वाहन भूमि खरीदना है तो यह बहुत ही अच्छा महीना है। उसके लिए आप आगे बढ़िए, कार्य क्षेत्र में बहुत प्रगति होगी, मित्रों का बहुत सहयोग मिलेगा, आपके अधिकारी आपकी सुनेंगे और आपके किए कार्य का पारितोषिक आपको मिलेगा। महीने का 14, 17, 24 और 31 तारीख थोड़ी सी सावधानी बरतें। भाग्य का प्रतिशत 60% है। शुभ रंग पीला है। सत्यनारायण भगवान की पूजा घर में अवश्य करवाएँ। आपके कष्ट जो भी होंगे ख़त्म हो जाएंगे। वैसे कोई कष्ट दिख नहीं रहा। मित्रों, बीच में किसी का कॉल आ गया था। मकर राशि वालों के लिए बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए महीना शुभ है। बहुत ही कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा इस महीने। थोड़ी सी कार्य क्षेत्र में परेशानी दिख रही है। हो सकता है अधिकारी आपकी बात ना सुने, या हो सकता है आप अधिकारी की बात ना सुने। हो सकता है आपस में कोई मनमुटाव हो जाए। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कोई कटुता नहीं दिख रही। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। संतान पक्ष बहुत ही उज्ज्वल है और धनागमन के स्रोत भी बढ़ेंगे। व्यय की अधिकता रहेगी लेकिन आय उस रेशियो में आपका ज़्यादा होगा। शुभ रंग जो है आपका वो नीला है। शनि मंदिर में दीप दान करें। गुप्त शत्रु जो आपको परेशान करने वाला है वह शांत हो जाएगा। महीने का 5, 12, 30 और 20 तारीख यह आपके लिए सावधानी बरतने का दिन है। भाग्य का प्रतिशत 70% आपके साथ होगा। शुभ रंग नीला है। कुंभ राशि वालों की अगर बात करें मित्रों, तो बहुत ही शुभ महीना है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा, पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा। माता पिता को कोई कष्ट नहीं, स्वयं को कोई कष्ट नहीं। संतान पक्ष बहुत ही उज्ज्वल, संतान आपकी सुनेगी। संतान कुछ ऐसा कार्य कर गुजरेगा जिससे आपके मन को बहुत प्रसन्नता होगी। मित्रों, 13, 20 और 27 थोड़ा सा नेक्स्ट तारीख है, इसके लिए थोड़ी सी सावधानी बरतें। शुभ रंग आपका नीला है। भाग्य 70% आपके साथ है। कृष्ण भगवान को मोर पंख अर्पित करें, आपके सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। मीन राशि वालों के लिए मिश्रित महीना रहेगा। सुख की अधिकता तो होगी लेकिन रोग व्याधि से परेशानी रहेगी। माता पिता को कष्ट दिख रहा है। संतान पक्ष उज्ज्वल है और धनागमन अच्छे होंगे। धन की कोई परेशानी नहीं होगी। व्यय भी बहुत अधिक नहीं होगा लेकिन एक अनजाना भय बना रहेगा और किसी चीज़ को लेकर हो सकता है कि आपके मन में थोड़ी सी खिन्नता बनी रहे। महीने का 16, 23, 26, 27 और 30 ये तारीख नेक्स्ट हैं। शेयर मार्केट में, सट्टा बाज़ार में,
इन चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है। शुभ रंग आपका पीला है, भाग्य प्रतिशत 50% है। शिव जी को दूध से अभिषेक करें प्रत्येक सोमवार को। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके कष्ट खत्म होंगे। तो मित्रों, यह था 12 राशि का राशिफल। आशा करता हूं कि आप इन उपायों को करके अपने इस महीने को बहुत ही अच्छा बनाएंगे। जय सियाराम।